वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा था। आज इस वीडियो पे हम x और y की वैल्यू निकालना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट लेता हूं मेरा, ये x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। आपको सारे ऐसी फॉर्म में लिखना है सभी इक्वेशंस को। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो आपको सबको LHS में लाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हो तो पहली इक्वेशन आपको कैसे बनानी है, सबको LHS में लाना होगा, ऐसे बनाना है। अगर कोई सी भी इक्वेशन देते हैं इन्होंने डायरेक्ट उसी फॉर्म में दी है तो हमारे लिए फायदा है, जैसे इस फॉर्म में दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, x लिख देना है यहां, और यहां पे x के कोफिशियंट को नहीं लिखना, यहां पे लिखना है y के कोफिशियंट साइन के साथ माइनस 3 और माइनस 9, और यहां पे y लिख देना और यहां पे 1 लिख देना। अब क्या करना, x के कोफिशियंट, जब x लिया तो x के कोफिशियंट, जब हमने x लिया यहां पे तो हमने क्या किया, y के कोफिशियंट को यहां लिया और यहां पे माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म को लिखा, फिर यहां पे सेम y 1/3, और यहां पे जहां से स्टार्ट करते हैं वही आखिरी में आते हैं माइनस 3/-9 एक्स वाई 1। ये तो आपको लिखना है एक्स वाई और 1। यहां पे क्या करना है, माइनस 3 और माइनस 9 वाई के कोफिशियंट को लिखना है, यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म, यहां पे एक्स के कोफिशियंट, यहां पे वाई की कोफिशियंट। अब आपको क्या करना है, एक्स लिख दे डालना है सिंपली, और इसके नीचे यहां पे वाई लिख डालना है और यहां पे 1 लिख डालना है और इक्वल्स का साइन। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है इसको। अगर आप माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो फिर क्या आएगा आपका आंसर, 6, और बीच में क्या माइनस का साइन डालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। अब वाई के लिए कैसे आंसर निकालेंगे, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर माइनस 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें आंसर क्या मिला, माइनस 9, और बीच में माइनस का साइन, और माइनस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, माइनस 2, और क्या आएगा, माइनस 2 ये रहा। अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 को पहले माइनस 9 से मल्टीप्लाई करा, 1 को अगर हमने माइनस 9 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 9, बीच में माइनस का साइन। अब 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3 3 9, और माइनस 9 आएगा आंसर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 27 में से अगर 6 गए तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 वाई माइनस माइनस 9, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहां पे प्लस का 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/-9 और प्लस 9, 1 9 माइनस 9, माइनस 9 और प्लस 9, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/0 जो है नॉट डिफाइन, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 7, तो यहां पे x डिवाइड बाय माइनस 21, और यहां पे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन नॉट डिफाइन, यहां इसके सॉल्यूशन डिफाइन नहीं हो रहे क्योंकि 1/0 ऐसे आ रहा है इस फॉर्म में, तो इसलिए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इसके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। पहले में बताने कि इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, इसमें इसके सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे। जैसे आपको एग्जांपल 14 दिखा हुआ है, 14 एग्जांपल 14 में आपको क्या लिखा है कि फॉर अ बस स्टैंड इन अ बैंगलोर इफ वी बाय अ 2 टिकट फॉर मलेश्वरम एंड 3 टिकट फॉर यशवंतपुरम, तो हमें कितने रुपीज की मिल रही है, अगर हम 2 टिकट मलेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुरम की खरीदते तो हमें 46 का पड़ रहा है, और अगर हमने 3 टिकट मलेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुरम के लिए तो हमें कितने का पड़ रहा है, 74, और फाइन क्या करना है, किराया फाइन करना है कि टिकट का मलेश्वरम और यशवंतपुरम का कितना है, जो हमें फाइन करना होता है उसी को हमें मानना होता है, जो
जो जो यशवंतपुरम की जो टिकट है, मलेश्वरम की टिकट है, उसे हमने क्या मानना, मलेश्वरम की जो टिकट है उसे हमने क्या मान लिया एक्स, और यशवंतपुरम की जो टिकट है, यशवंतपुरम की जो टिकट है उसे हमने क्या मान लिया वाई रूपीज। उसने क्या बोला कि दो टिकट 2x प्लस 5y, दो ऑफ मलेश्वरम की 2x प्लस 5y कितने की पड़ रही है उसे 46, और पांच टिकट 3x प्लस 5y इक्वल टू 76। ये तीन टिकट मलेश्वरम और पांच टिकट यशवंतपुरम की 76 रुपीज की पड़ रही है उसे 73। अब क्या करना था यहाँ पे, सिंपली जो भी चीज है सबको x एक्सिस में लाना था, सबको एक साइड में लाना था, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2x प्लस 5y यहाँ पे माइनस 46 बराबर में 0, और इधर भी क्या करना था 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर में 0। सबको आपने LHS साइड में लिया है, यहाँ पे x लिख डालना, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करना 5y के कोफिशियंट को सबसे आगे y का कोफिशियंट साइन के साथ, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशियंट माइनस 46 माइनस 74 साइन के साथ। अब यहाँ पे x के कोफिशियंट 2 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा जो जांचिस से स्टार्ट करा वही आपका आखिरी में आएगा 5 और 5। आपको क्या करना है, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, x को आप क्या करोगे पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा माइनस 74 से, फिर क्या करा बीच में माइनस का साइन, फिर आपने क्या करा 5 को माइनस 46 से मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू माइनस 46 इक्वल्स टू, अब इक्वल्स का निशान लगाना है y। अब पहले क्या करना है माइनस 46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 46 इंटू 3, फिर क्या लगाना है बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस 74 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 74 इंटू 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 लिख देना है, यहाँ पे 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 हो जाएगा, माइनस 3 को 5 से 15। इसे आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, अगर आप सॉल्व करना है ये आपको खुद से करना है सॉल्व, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे y डिवाइडेड बाई 10, इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके यहाँ पे 8 आंसर आएगा और यहाँ पे सॉल्व करके आपका 10 आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/10 में से अगर 15 गया तो कितना माइनस 5 बचा। ऐसे फिर इसे इक्वेट करना है, यहाँ पे क्या आ गया 10 में से अगर हमने माइनस 15 को करा तो माइनस 5 बन गया। अब हमें क्या करना है x अपॉन 8 को क्या करना है एक बार माइनस 1/-5 के बराबर रखना है, क्योंकि सारे इक्वल्स में चल रहे हैं, तो एक बार इसे हमने किसके बराबर रखा इसके बराबर, और एक बार इसे इसके बराबर, और हमने क्या किया एक बार y अपॉन 10 को किसके बराबर रखा 1/-5 के, तो x कितना आ गया 8/-5 और y क्या बन गया 10/-5, और 5 टू सा y की वैल्यू क्या आ गई -2/5 और x की वैल्यू क्या आ गई 8/5। ये क्वेश्चन कुछ और बन गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 3 थी और ये एग्जाम्पल 14 ही एक नया क्वेश्चन बना दिया। हम अब एग्जाम्पल 15 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 14 में वैल्यू चेंज होने की वजह से जो क्वेश्चन में दिया था वो वैल्यू ना रखे, इसके वजह से आंसर कुछ और आया। वैसे सेम प्रोसीजर करना है आपको, मतलब जो पूरा प्रोसीजर था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वैसे निकालना है, बस वहां पे क्वेश्चन जो इक्वेशन बना रहा था वहां पे वैल्यू चेंज हो गई थी इसलिए गलत आया आंसर। और जैसे एग्जाम्पल 15 में क्या दिया आपको कि फॉर हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो है एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने यूनिक सॉल्यूशन की एक इक्वेशन देखी थी कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है। इक्वेशन क्या थी, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना आए तब क्या होता था यूनिक सॉल्यूशन होता था। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो a1 क्या होता है, a1 होता है कोफिशियंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो a1 हमारा 4 आ गया, a2 हमारा क्या आ गया 2 आ गया, b1/b2 b हमारा क्या है b1 p और b2 क्या है 2। अब हम डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू p और ये p/2 इज नॉट इक्वल टू p, तो यहाँ पे 2 2 4, p की अगर वैल्यू 4 ना रखने, मतलब p की वैल्यू 4 ना रखो
उसके अलावा जो भी वैल्यू रखो तो वहां पे क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये इसका आंसर। अब हम करेंगे आपको एक्सरसाइज 3.5 खुद से करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने सीख लिया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करना है। अब हम एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 में आपको क्या बताना है, जैसे इक्वेशन दिया आपको, एग्जाम्पल की मदद से करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17, 2 upon x plus 3 upon y = 13, और जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास है 5x - 4y = किसके बराबर है, -2 के। आपको जो भी हमने मेथड सीखे, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है, उसी का यूज करके आपको इक्वेशन फाइंड करने। पर हमने ऐसे तो कभी नहीं देखा, कभी x यहाँ नहीं देखा, हमने x का जब भी देखा तो x यहाँ देखा है, y को इधर नहीं देखा, यहाँ देखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 upon x को लेट, माना कि लेट 1 upon x को मैंने क्या मान लिया a, और 1 upon y को मैंने क्या मान लिया b। मैंने क्या किया, 1 upon x को क्या मान लिया a और 1 upon y को क्या मान लिया b। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a + 3b = 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5a - 4b = -2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है। इस इक्वेशन को आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मेथड आपको आसान लगे। तो मैं डायरेक्ट, जैसे आप कोई सा भी मेथड से लगाओ, आखिरी में मैं ए और बी की वैल्यू ऐसे फाइंड हो जाएगी आपसे, और ए और बी की मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। जैसे ए की आपने वैल्यू निकाली, जैसे आपने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ऐसे आपने फाइंड करा, और आपने ए क्या माना था, 1 upon x = a, और a आपका क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, और 1 upon y = b, और b आपका क्या हो जाएगा, 3। तो यहां से आपकी x की वैल्यू, x अगर उधर चले जाएगा, और ये जो 2 है इधर आ जाएगा, x आपका क्या हो गया, 1 upon 2 = क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, x आपका उस साइड चले जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, y उस साइड चले जाएगा, और 3 इसके नीचे आ जाएगा, 1 upon 3 = y। ये रहे आपके आंसर, x और y ऐसे फाइंड कर सकते हो। बस यही आपको पूरी एक्सरसाइज में करना है। एक्सरसाइज 3.6 इसी के ऊपर बेस है। हमने 2 चैप्टर को कवर कर लिया, एक तो पॉलिनोमियल, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाए, रिवाइज करते रहे, डाउट आएंगे पूछे, और जैसे इंस्टीट्यूट आए पूछे तब। और इसे अब हम अगला चैप्टर, पहला चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।